हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है कहाँ यूज़ आती है क्यों हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है बट लास्ट के अंदर एक वर्ड पढ़ा था हमने जो कि था मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी के जो बहुत सारी फॉर्म्स होती है उसी के अंदर एक पार्ट था मैकेनिकल एनर्जी हमने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का अब हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को एक एक करके पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल इट्स कोर शाला काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है कहाँ यूज आती है क्या उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है या वो भी वर्क के इक्वली हो जाती है ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है चलिए तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट एक जो बुलेट है वो टारगेट को डायरेक्ट पियर्स कैसे कर देती है मतलब अगर मैं किसी को गोली तो वो तो आदमी चला ही जाएगा उसके अंदर से पूरा एक होल हो जाएगा ऐसा क्यों हो गया इस डाट को जब मैंने इसके ऊपर फेंका तो ये सीधा इसके अंदर चली गई डायरेक्ट ऐसा क्यों? ये टकरा के नीचे भी तो गिर सकता था लेकिन नीचे ही नहीं गिरा ये तो अंदर चला गया ऐसा क्यों हो गया एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए जो कि है हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ अ मिल की जो ब्लेड्स होती है वो विंड इसको कैसे मूवमेंट करवा सकती है ऐसा क्या है विंड के अंदर जो विंड ने आके इसको मूवमेंट करा दिया क्या इसको सिर्फ बोला गया था विंड के द्वारा कि विंड ने बोला कि ठीक है तुम घूम जाओ तो ये घूम गया और फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली क्या ऐसा कुछ है बिल्कुल नहीं है तो ये दोनों क्वेश्चन जो है किसकी ओर इशारा कर रहे हैं क्या बता रहे हैं आपको कि जो विंड थी विंड आई ये ब्लेड घूमने लग गई उसके अलावा आपके बुलेट आई बुलेट से क्या हो गया जस्ट ये टारगेट पूरा पियर्स हो गया टारगेट को पूरा मार ही दिया या उसके अंदर से होल ही कर दिया यहाँ पर भी ये डार्ट ने होल कर दिया ऐसा क्यों हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इनके अंदर क्या थी एक एनर्जी थी एज आई टोल्ड यू कि एनर्जी क्या होती है कैपेसिटी टू डू वर्क कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होगी उसे हम कहेंगे एनर्जी अब इनके अंदर जो काम करने की कैपेसिटी थी मतलब इसको प्यर्स करने के लिए कोई ना कोई इसको कैपेसिटी की जरूरत होगी इसको भी इसके अंदर अगर हो होल करना है तो इसको भी कोई ना कोई कैपेसिटी की जरूरत होगी तो ये जो कैपेसिटी है काम करने की ये जो, जो एबिलिटी है वर्क करने की उसी को हम क्या कह देते हैं एनर्जी कह देते हैं तो इनके अंदर भी क्या है एक तरह की एनर्जी है इस बुलेट के अंदर भी क्या है एक तरह की एनर्जी है और इस डार्ट के अंदर भी क्या है एक तरह की एनर्जी है ऑलरेडी अब ये एनर्जी जो है ये आई कहाँ से है ये एनर्जी आई कहाँ से है तो ये एनर्जी इसको किसने दी है बुलेट को बुलेट को दी गई थी पिस्टल से और पिस्टल को एनर्जी किसने दी थी हमने दी थी हमने ट्रिगर दबाया था ट्रिगर दबाते ही क्या हो गया एक एनर्जी निकली वो एनर्जी किसको मिली वो बुलेट को मिली और बुलेट ने क्या कर दिया एनर्जी इसको दे दी मतलब बुलेट जो थी इसके पास आई इसकी इसको जब एनर्जी मिली तो क्या हो गया पूरा का पूरा ये होल हो गया तो एनर्जी को uh, सॉरी बुलेट को काम करने के लिए क्या मिली एनर्जी मिली अब इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि मोशन में है जो कि मूवमेंट कर रहा है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है वो रेस्ट कंडीशन में नहीं है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा कहीं भी कभी भी आप देखेंगे तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है दैट मीन्स कि ये जो बुलेट है इस बुलेट के अंदर भी कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है इस बुलेट को ये काइनेटिक एनर्जी दी किसने है तो हमने एक फोर्स लगाया था जिससे हमने ट्रिगर दबाया और उस ट्रिगर के अंदर क्या हुआ कोई एनर्जी आ गई और वही एनर्जी जो है वो बुलेट के अंदर ट्रांसफर हो गई और बुलेट जो है बहुत तेज़ी से किसी के पास गई और उसने क्या कर दिया वहां पर पूरा होली कर दिया क्यों क्योंकि इसके पास कौन सी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी थी वहां आ जाओ डाट के पास डाट को एनर्जी किसने दी हमने दी हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आई फूड से आई तो हमने क्या किया डाट को एनर्जी दी और जैसे ही हमने डाट को फेंका तो डांट को फेंकते क्या हो गया वो अपने टारगेट पे जाके लग गया जहां पे आपने फेंका होगा उसी के पास ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा वैसे थोड़ा ना कि मेरा तो जो ये टारगेट एरिया है टारगेट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर है लेकिन हमने तो फेंका तो थोड़ा नीचे गया था कोई बात नहीं हम ऊपर हो जाते तो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे हम फेंकेंगे वो वैसे ही जाएगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा अपने टारगेट एरिया पर जाएगा अब टारगेट एरिया पर जाते ही उसने होल क्यों कर दिया बिकॉज इसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ईजिली ये इसको होल कर पाएंगे अदरवाइज ये इजिली इसको होल नहीं कर पाएंगे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार अगर मैं बात करती हूँ आपकी कार की तो कार के अंदर भी क्या होता है जब कार मोशन में है जब कार मूवमेंट कर रही है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है विद तो विद अ तो वेलोसिटी तो कोई भी एक तो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो मोशन में है तो उसे हम कह देंगे उसके अंदर कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है अगर कार की बात करें तो कार अगर मोशन में सपोज कार जो है वो चल रही है और फोर्टी किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से जा रही है वो आर की स्पीड से जा रही है ठीक है तो ये कार अगर मोशन में इसका मतलब इसके अंदर मतलब कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस कार के आगे कौन आ गया ये जो कार है आपकी यहां पे हम बना लेते हैं कार इस कार के आगे यहां पर एक कोई पर्सन आ गया और इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे थी टू मीटर पर सेकेंड जैसे ही इस कार ने इस पर्सन को टक्कर मारी इस पर्सन को कुछ नहीं हुआ जस्ट वो थोड़ा सा नीचे गिर गया डेड इट और कुछ भी नहीं हुआ अब हम आ जाते हैं केस में सेकेंड केस क्या है मेरा कि ये जो कार है इस कार के आगे एक पर्सन खड़ा है और इस कार की जो वेलोसिटी है कार की वेलोसिटी कितनी है कार की वेलोसिटी है टेन मीटर पर सेकेंड अब क्या होगा ये पर्सन ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा फाइन अब मैं एक थर्ड केस लेती हूँ थर्ड केस के अंदर क्या है थर्ड केस के अंदर इसी कार की जो वेलोसिटी है थर्ड केस के अंदर इसी कार की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है जो फर्स्ट केस था उसके अंदर देखो टू मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी सेकेंड केस में देखो क्या है टेन मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी और थर्ड केस में क्या है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी फ़र्स्ट केस में क्या हुआ फर्स्ट केस में बिल्कुल थोड़ी सी चोट बिल्कुल जरा सी चोट आई बस ये पर्सन जो था वो नीचे गिर गया इसलिए थोड़ी चोट आ गई होगी बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सेकेंड केस में क्या हुआ ये जो पर्सन था ये थोड़ा कार की वजह से इंजर्ड हो गया थर्ड केस में क्या हुआ तो थर्ड केस में तो ये हुआ कि ये जो ये जो पर्सन uh, है इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अभी बचेगा या नहीं बचेगा हमें नहीं पता अभी ऊपर चला जाए तो ठीक है यहाँ रह जाए तो भी ठीक है हम नहीं हम नहीं कह सकते अभी तो क्यों हुआ ऐसा ऐसा इसलिए हुआ कि इस कार के अंदर क्या थी काइनेटिक एनर्जी थी? थी इस कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डैमेज भी होगा उतना ही ज़्यादा वो काम भी कर पाएगा अब यहां देख लो इस बुलेट की एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है इस बुलेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एक पर्सन पूरा कोई पर्सन भी है ना उसी के अंदर भी होल हो जाएगा कहीं भी डाल दो उसके अंदर होल ही होने वाला है क्यों क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है अब यही मैं इस डाट की बात करूँ इस डाट को अगर मैंने फेंका है और किसी पर्सन को सपोज लग भी गया तो उसको ज़्यादा चोट नहीं आएगी हो सकता है कि थोड़ा सा लग जाए टक बाकी ऐसा कुछ चोट वोट नहीं आएगी ऐसा क्यों क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्यों है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी यहाँ पर ये जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी इस बुलेट की वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये क्या करेगा ये उस पर्टिकुलर पर्सन को मार ही देगा उसी के अंदर होल भी कर देगा लेकिन उसमें क्या था उस डार्ट की वेलोसिटी थी कम इसीलिए क्या हुआ इसीलिए उस डार्ट जो है वो सिर्फ अपने टारगेट एरिया पर गया उसने किसी को कोई चोट वोट नहीं पहुँचाई कहीं अगर किसी को लग भी गया तो ये होल नहीं करेगा यहाँ देख लो यहाँ पर यही है वेलोसिटी कम थी इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम थी दैट इज़ वाई इसको कोई चोट नहीं लगी लेकिन यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी इसीलिए क्या हो गया इस पर्सन को चोट लग गई आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई और आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी का नाम लेते हैं कि बस वो मोशन में होती है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है हमेशा कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ भी ये यह जो हवा है हवा के अंदर क्या है विंड के अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है एक विंड एनर्जी होती है विंड के अंदर भी क्या होती है विंड एनर्जी होती है हवा की खुद की एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं विंड एनर्जी कहाँ से आती है ये तो ये आती है अन ईवन हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से आई होप कि ये आपको पता है अन ईवन हीटिंग ऑफ लैंड क्या होता है uh, ज़मीन के ऊपर और पानी के ऊपर अगर हम चेक करेंगे या अगर मैं पर्टिकुलर दो एरियाज की बात कर रही हूँ पास में ही है. एक के अंदर जो है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है दूसरे में थोड़ी कम गर्मी है तो क्या होता है वो हवा गर्म होके ज़्यादा गर्मी वाली जगह से क्या होगा हवा गर्म होगी ऊपर की तरफ मूव करेगी स्पेस खाली रहेगा तो यहाँ की हवा इस तरफ मूव कर जाएगी उसी को हम कहते हैं अनइवन हीटिंग और हवा इतनी तेजी से मूव करती है कि उसको हम क्या कह देते हैं विंड एनर्जी है उसके अंदर मूविंग एयर जो होती है वैसे भी हम उसे विंड कहते हैं और मूविंग एयर अपनी खुद की एक एनर्जी लेके चलती है उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी यही विंड एनर्जी क्या करेगी विंड एनर्जी इस विंड मिल की ब्लेड्स को घुमा देगी इस विंड मिल की ब्लेड को जैसे ही रोटेट करेंगे तो रोटेट करते क्या हो गया ये जो विंड एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो चुकी है इसमें विंड एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी किसको मिल चुकी है अभी इस विंड मिल की ब्लेड्स को मिल चुकी है अब ये विंड मिल्स की ब्लेड के पास जो एनर्जी है जिस जो इससे कि ये रोटेट कर रहे हैं ये क्या करेंगे ये सारी एनर्जी अब किसको मिल जाएगी जनरेटर को और जनरेटर क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को बना देगा आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है क्या हुआ विंड एनर्जी जो थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया है तो विंड एनर्जी की वजह से हमने इसकी ब्लेड्स को रोटेट करवाया इसकी ब्लेड को रोटेट करा तो ये एनर्जी सारी इसमें आ गई अब ये एनर्जी किसको दे देंगे हम जनरेटर को देंगे ताकि क्या हो सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर है और अब ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है चलिए नाउ काइनेटिक एनर्जी और किस किस में हो सकती है इफ़ यू आर वॉकिंग आपके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है इफ़ आई एम स्टैंडिंग हियर मेरे अंदर कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है लेकिन अगर मैं चल रही हूँ तो काइनेटिक एनर्जी है अगर मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है हमने क्या कहा सिर्फ मोशन में है तो ही काइनेटिक एनर्जी अब किसी की आदत नहीं होती ऐसे घूम घूम के पढ़ने की तो अगर वो ऐसे घूम घूम के घूम घूम के अगर पढ़ भी रहा है ना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर भी क्या है काइनेटिक एनर्जी है कोई चल रहा है काइनेटिक एनर्जी इवन ये मटीरियल से होते हैं ये आते हैं एक मोशन में है ये भी इसका मतलब क्या है इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है फॉलिंग गिरना काइनेटिक एनर्जी में आता है क्योंकि आपका मूवमेंट हुआ है यहाँ आ जाओ थ्रोइंग अ बॉल बॉल को थ्रो करना ये तो डेफिनेटली आता है आपके काइनेटिक एनर्जी में क्यों आता है अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था बैट्समैन का जो क्या करता है बॉल को हिट कर देता है फ्लाइंग एरोप्लेन ये भी मोशन में है इसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर होगी दैट इज़ वाई इसके अंदर भी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाला है कि मोशन की बात आएगी काइनेटिक एनर्जी है फाइन चलिए नाउ यहाँ देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है एनर्जी जो है इस तीर के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई कैसे आ गई है तो हमने क्या किया इसको प्रेस किया इसको जब खींचा तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी थी और वही एनर्जी जो है इसको मिल गई दैट इज वाई जो एरो है ये आगे जा रहा है ये तो हमने पहले भी देखा है इस हैमर के अंदर कौन सी एनर्जी, गै एनर्जी। है काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हैमर को क्यों हम है है क्या कर रहे हैं मोशन हो रहा है हैमर है 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 के अंदर वो हैमर है उसको मार रहा है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी नेल में आ जाएगी ल है वो वुड के अंदर चला जाएगा फाइन आई होप की आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए चलिए नाउ वट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द वर्क एंड ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इट इज द मेजर ऑफ द वर्क ये वर्क का ही मेजर है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आने के बाद कितना वर्क कर सकता है वही क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है अगर वो ज्यादा वर्क कर पा रहा है इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है अगर कम वर्क कर पा रहा है इसका मतलब कम काइनेटिक एनर्जी है फाइन नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलॉसिटी अभी क्या बोल रहे काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इक्वल होती है जो वर्क डन हो रहा है उसके इक्वल है एज आई टोल्ड यू एनर्जी में भी हमने बताया था कि अगर मुझे टू जूल ऑफ वर्क करना है तो मुझे टू जूल ऑफ एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर मुझे टेन जूल वर्क करना है तो क्या होगा टेन जूल एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे फाइन दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी की जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है इट इज इक्वल टू द वर्क डन ये किसके इक्वल होगा वर्क डन के इक्वल होगा ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी उस वेलोसिटी को एक्वायर करने में जितना वर्क किया गया है उसी को हम क्या कह देंगे काइनेटिक एनर्जी कह देंगे और बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी नो वेरी वेल ऑलरेडी हमने पढ़ा है फाइन तो वैसे ही है काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन फाइन आई होप की इतनी चीज आपको याद होगी अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बता देती हूँ हर बार हम सिर्फ एक W का एक ही फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का खुद का एक फॉर्मूला है क्यों है अभी हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है अब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है तो ये तो हमें देखना पड़ेगा उस फॉर्मूले के बाद से ही पता चलेगा उससे पहले पता नहीं चल सकता चलिए सो so, यहाँ आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका अब काइनेटिक एनर्जी होती किस में है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में है इसका मतलब क्या होगा उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी मतलब मैं अगर बात करूँ इस ऑब्जेक्ट की यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ आ गया मतलब इसने क्या किया है मूवमेंट किया है इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी कोई ना कोई इसकी फाइनल वेलोसिटी जरूर होगी और अगर इनिशियल वेलोसिटी है फ़ाइनल वेलोसिटी है मतलब कि वेलोसिटीज़ में चेंज हुआ है और अगर वेलोसिटीज़ में चेंज होता है स कि इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर रहा होगा अगर वेलॉसिटी में चेंज हुआ है दैट मीन्स कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर रहा होगा और अगर वेलॉसिटी में चेंज हुआ है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया दैट मीन्स की यहाँ पे कुछ ना कुछ एस भी होगा कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी जरूर होगा फाइन अब हमें पता है कि जो एनर्जी होती है जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है या कोई भी एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है वर्क डन के इक्वल होती है तो मैं ले रही हूं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम ई ऑफ के से भी डिनोट कर सकते हैं ई e ऑफ के लिखे चाहे के ई लिखे एक ही बात है वट आई एम टॉकिंग अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी अभी जो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है वर्क डन के इक्वल होती है फाइन आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है

अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि भाई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया है यानी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी लगा था इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी थी इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी भी थी और इसके अंदर क्या था एक्सेलरेशन था क्योंकि वेलोसिटीज में चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ साथ ही साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट uh, की बात कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो जरूर होगा चाहे वो छोटा है बड़ा है कोई ना कोई मास जरूर है तो इसका मतलब हम फोर्स के लिए क्या ले सकते हैं फोर्स के लिए हम फॉर्मूला ले सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए ये हमको ऑलरेडी पता है फोर्स का फॉर्मूला तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एम ए से फाइन तो यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम ए इन एस डिसमेंट अब इस डिस्प्लेसमेंट को रिमूव करना है सो वी नो द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास में हमारे पास होता है एक तो v is equals to u plus एक तो होता है एस इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस अब आप मुझे ये बताओ रिलेशन जो कि v, u, a और s के बीच में है वो कौन सा है तो वो है न्यूटन की सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम क्या कहेंगे कि ये रिलेशन किसके बीच का है वी यू ए और एस का है. क्यों क्योंकि इसके अंदर देखो हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज है तो हमें इनका रिलेशन चाहिए तो नाउ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एस तो रिलेशन क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू टू एस बट हमें यह वैल्यू किसकी चाहिए एस की वैल्यू चाहिए दैट इज वाई हम इसको क्या ले लेंगे एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इसी को हमें क्या करना है पुट कर देना है इस इक्वेशन में यहाँ हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर वन और टू से सो so, यहां से इसको रिप्ले हटा देते हैं चलिए सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू या फिर हम ये भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन फाइन तो इक्वेशन नंबर टू से हम इस एस की वैल्यू को कहाँ तो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एम ए मास एंड टू एक्सेलेशन तो किसका फॉर्मूला है एस एफ uh, का फार्मूला है फोर्स का एस की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें एस की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए अब क्या होगा ये ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम और यहां आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर मैं इसको ओपन कर दू तो ओपन करते ही मुझे क्या मिल जाएगा ओपन करते ही मिलेगा के ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ इन टू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर दैट मीन्स कि ये क्या है काइनेटिक एनर्जी तो है वर्क तो को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क डन इज़ टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं आपको कि इफ यू इज इक्वल टू जीरो हम यहां से ढूंढ रहे थे क्या किया है हमने फिर से एक बार देख ले क्या करा हमने हमने किया है कि भी एक ऑब्जेक्ट था हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है बिकॉज हमें उसको मोशन करवाना ही है वरना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो इसके मोशन में आते क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा कोई, कोई ना कोई इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा अब हम क्या कर रहे हैं भाई हमने कहा काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल होती है तो काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क के इक्वल है तो वर्क इज इक्व टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और मैं काइनेटिक एनर्जी को भी लिख सकती हूँ कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट नाउ फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एम ए होता है जस्ट इसको हम रिप्लेस कर देते हैं वैसे ही हमें ये भी पता है कि U, V, A और S जो हमने अभी देखे थे इन सबके बीच का रिलेशन कहाँ से मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में से मिलेगा दैट विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें किसकी वैल्यू मिली S की वैल्यू मिली S की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू यहाँ से क्या कैंसिल हो गया ए कैंसिल हुआ है ए कैंसिल होने के बाद जस्ट इनको ओपन कर दो ओपन करने के बाद हमने क्या कहा कि अगर यू आपका जीरो पॉसिबल है बिल्कुल है इनिशियल वेलोसिटी कैन बी अगर इनिशियल वेलोसिटी है इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम बी स्क्वायर होगी आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है चलिए अब हम एक और चीज हम बोल सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू यही लिख देती हूँ मैं आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा उसे ही हम क्या कह देंगे वर्क डन कह देंगे तो यहां भी यही है देखो यहां हम के ए की जगह लिख सकते हैं ना वर्क डन बिल्कुल लिख सकते हैं यहां हमने डब्ल्यू को ही तो रिप्लेस किया था काइनेटिक एनर्जी से तो यहां भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन को भी याद रखना है ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं रखना इसको भी आपको याद रखना है इट इज इक्वल टू डब्लू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम कह देते हैं वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है वर्क क्या हो सकता है और इसकी यूनिट क्या होती है तो एज आई टोल्ड यू कि जब एनर्जी की यूनिट है जूल तो सिंपल सी चीज़ है भाई काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी क्या होने वाली है जूल ही होने वाली है तो अब आपको मेनली क्या याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन में है ऑब्जेक्ट बस जब भी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में होगा इसका मतलब है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है तो इस तरह से हमें फार्मूला डिराइव करना है इसका और हमें याद क्या रखना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर बस अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस किस पर डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी देखो मास पर भी डिपेंड कर रही है और काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर पर भी डिपेंड करती है यानी v पर भी डिपेंड कर रही है अगर हमने मास को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी क्यों हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर ऑल्सो यहां पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड और क्या लिख सकते हैं और हम सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इसका मतलब है कि अगर हमने एम को इंक्रीज कर दिया मास को अगर मैंने इंक्रीज किया है दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने मास को डिक्रीज़ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी यहाँ आ जाओ वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी जैसे कि हमने कार और वो बच्चे के एग्जाम्पल में देखा था तो बस जहाँ वेलासिटी ज़्यादा है वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है ज़्यादा और जहाँ वेलॉसिटी है कम वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है कम आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज उसके बाद हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी दैट इज़ वाई तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए बिकॉज अगर ये अच्छे से याद हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी थैंक यू सो मच